हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं के गुरु चैनल। दोस्तों, एक बिहार में एक चर्चा काफी चल रहा है दोस्तों, मीडिया से लेकर दोस्तों हर लोगों के मुंह पे दोस्तों ये काफी जो है चर्चा चल रहा है। दरअसल दोस्तों, मुंगेर से रहने वाले अशोक महतो की चर्चा चल रही है दोस्तों। अशोक महतो लगभग 17 साल 3 महीना जो जेल में थे, मीडिया के हिसाब से उनका जो बैकग्राउंड जो है क्राइम का है। मुंगेर में उनका भतीजा जो है विधायक रह चुके हैं, मगर जो अशोक महतो जो है दोस्तों, उनको चुनाव लड़ना था संसद का दोस्तों। अशोक महतो जेडीयू में भी थे, लगभग 17 साल 3 महीना जेल में रहने के बाद जैसे अशोक महतो बाहर निकले तो दोस्तों जो है अलग अलग पार्टी से मिलना चालू किया। अब अशोक महतो दोस्तों जो है मुंगेर से चुनाव लड़ने के लिए थे, मगर जो है उनको किसी कारणवश यानी कि उनके ऊपर केस जो है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है जल्दीबाजी में शादी किया, क्योंकि उनका शादी जो पहले शादी नहीं था और उन्होंने जो दोस्तों जो है जल्दीबाजी में जो है उनको शादी करना था, शादी करके उनकी पत्नी को टिकट दिलाना है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों उन्होंने जल्दीबाजी में 60 साल की उम्र में जो है दोस्तों जाकर उन्होंने शादी किया। दिल्ली की रहने वाली अनीता से शादी करते हैं, अनीता का भी उम्र जो है दोस्तों अच्छा खासा है, तो अनीता से जो दोस्तों जो है शादी करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अगर उनकी शादी के बाद से जो टिकट जो है अगर मिलता है तो जो है अनीता के नाम पर टिकट मिल सकता है और अनीता जो है वहाँ से चुनाव लड़ सकती है। माना जा रहा है दोस्तों लालू फैमिली से जो है मुंगेर का टिकट मिलेगा, क्योंकि जो है जेडीयू से वहाँ से टिकट नहीं मिल सकता है, आरजेडी की तरफ से जो है ज्यादा लगाव है। माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से जो है अशोक महतो जो है वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। कंफर्म नहीं हुआ टिकट का मुंगेर का, मगर वहाँ पे जो दोस्तों जो है ललन सिंह के खिलाफ जो है अशोक महतो को उतारा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक मजबूत उनकी गांठ है दोस्तों, मजबूत वहाँ पे उनका एक रुतबा है अशोक महतो का, तो वहाँ से जो दो है दोस्तों अशोक महतो जो है चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ सकती है और वो आरजेडी जो है उनको वाइफ पे यानी उनके पत्नी को टिकट देके चुनाव लड़ा सकती है। ये जो है खबर जो है दोस्तों बहुत बड़ी निकल के आ रही है बिहार से। आपका क्या मानना दोस्तों, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा।